नमस्कार दोस्तों, मैं किशन स्वागत करता हूँ आपका अपने रेडेक्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों कैसे हो आप? दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि बेल इंट्रो कैसे बनाते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता होगा कि जैसे कि एक होता है फिंगर वाला जो मेरे चैनल पर आता है, पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। इस तरह का इंट्रो में इसमें नया आ गया है जो सिर्फ इंट्रो होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर मैक्स प्लान में चला कर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह का इंट्रो आप कैसे बना सकते हैं। मैं आप आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप बेल इंट्रो फिंगर वाला कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, काइंड मास्टर तो होगा ही आपके मोबाइल में, पहले से नहीं होगा तो आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है कि एक ग्रीन फिंगर वाला आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। पहले हमारे डिस्क्रिप्शन में चेक करिए और वहाँ से जाके एक लिंक होगा बेल इंट्रो के नाम से, वहाँ पे जाइए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसको जब अब तक आप डाउनलोड नहीं करेंगे तब तक आपका नहीं बनेगा। उसके बाद उसको डाउनलोड करने के बाद आपको चले जाना है अपने काइंड मास्टर में। काइंड मास्टर को ओपन कर लीजिएगा। काइंड मास्टर ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे चले जाना है प्लस वाले पे और इम्पटी प्रोजेक्ट पे चले जाना है। अब इम्पटी प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको उस वीडियो को चूज करना है। तो वीडियो आपको पड़ जाएगा मीडिया में, तो सबसे पहले हम चलते हैं मीडिया में। मीडिया में जाने के बाद मैं जो फाइल डाउनलोड किया हूँ नया आपको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा एक ब्लैंक वाला आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें इस तरह का आप कुछ भी डाउनलोड करिएगा, इसी तरह का आपको मेरे डिस्क्रिप्शन से मिलेगा। इसी तरह आप पहले इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कैसे आ रहा है, तो अब आपको यहाँ पे पूरा आपका चैनल का लोगो और चैनल का नाम रहेगा इसमें, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, स्किप करेंगे तो समझ में नहीं आएगा और फिर से आप कॉमेंट में कहेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया, और तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह का हमारा वीडियो आएगा जो आप डाउनलोड करेंगे मेरे डिस्क्रिप्शन से। उसको डाउनलोड करने के बाद आपका क्या करना है, सबसे पहले आप अपने चैनल का लोगो निकालिए। आपके मोबाइल में वो चैनल का लोगो होना चाहिए, जैसे कि मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, बस यहाँ से मैं एडजस्ट कर ले रहा, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा और लेयर पर चले जाइएगा। लेयर पर जाने के बाद मीडिया में चले जाइएगा और अपने चैनल का जो लोगो होगा, मैं अपने चैनल का लोगो यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हूँ, आप भी इसे डाउनलोड कर लीजिएगा आपका चैनल का जो भी लोगो होगा। इसको पहले एडजस्ट करते हैं अच्छे से यहाँ से, तो आप वीडियो को लॉन्ग होगा दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिए, पूरा देखिएगा वीडियो पूरा। आपको फाइनली मैं इसमें बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप नीचे जो लेयर देख रहे हैं ग्रीन से आगे है, तो उसको हम पहले अपने लोगो को एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद अब थोड़ा हम देखते हैं एक बार, यहाँ पे देखिए हमारा लोगो यहाँ पे जाना चाहिए, बिल्कुल स्किप ना करिएगा दोस्तों, मैं पूरा का पूरा इसमें आपको क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरा लोगो लग गया, अब इसको हम एनिमेशन में डालेंगे। तो एनिमेशन में डालने के लिए हमें नीचे लेयर पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इन एनिमेशन में जाइए और नीचे जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पर स्लाइड अप का ऑप्शन आएगा, स्लाइड अप, इस पर आपको क्लिक करना है। स्पीड बढ़ाना घटाना चाहते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पर कर लीजिएगा। के बाद मैं इतना इसका स्पीड रहने दे रहा हूँ और यहाँ पे ऊपर साइड पे क्लिक कर रहा। अब मैं देखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगभग सही है। अगर और आप सेटिंग करना चाहते हैं तो थोड़ा सा और इसको हम साइड में कर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि लेयर आप देख रहे हैं, लेयर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा लगभग ये लोगो सही से हो गया है। और अब हम इसमें हम आउट इंट्रो डालेंगे, आउट एनिमेशन। फिर से हम यहाँ पे अपने लोगो पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोगो यहाँ पे देख सकते हैं आउट एनिमेशन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करने के बाद स्लाइड डाउन कर देंगे, मतलब लास्ट में जो आएगा एनिमेशन वो नीचे की तरफ जाना चाहिए। इसके बाद ओके पे फिर से क्लिक कर देना है। अब मैं देखता हूँ प्ले करके, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरा चल रहा है, हाँ सटीक है, पूरा एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं, अब इसमें हमको लगाना है टेक्स्ट, तो
टैक्स लगाने के लिए हमें उसी लेयर के बराबर से करना है। उसके बाद यहाँ पे लेयर पे चले जाना है और यहाँ पे टैक्स दिया उस पर क्लिक करना है। अपने चैनल का जो भी नाम हो वो लिख देना है। यहाँ पे मैं अपने चैनल का नाम लिख दे रहा रेड एक्ट। और भी जो आपका कोई भी चैनल होगा आप नाम लिख सकते हैं, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। कोई बड़ा भी होगा तो फंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको यहाँ से मैं ब्लैक कर ले रहा। काइन मास्टर में तो आपको पता ही होगा यूज, अगर नहीं यूज होगा तो मैं ऊपर आई बटन पे लिंक दे दूंगा, इसका आई बटन आई कार्ड पे दे दूंगा, आप वहाँ से जाके काइन मास्टर की पूरी डिटेल देख लीजिएगा। उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, आप चेक कर लीजिएगा। यहाँ से पहले लेयर को आप अपने हिसाब से वीडियो के हिसाब से एडजस्ट करिएगा, उसके बाद साइन पे क्लिक करिएगा। अब जो इसका ये है रेडेक्ट, उसको आप थोड़ा अपने हिसाब से फंट करने के बाद यहाँ पे सेट करेंगे लाके, ठीक है। यहाँ पे अपने हिसाब से जिस हिसाब से अच्छा लगे वहाँ पे लाके सेट करना है। इसके बाद हमें फिर से हमें क्या करना है, इन एनिमेशन पे जाना है जो कि हमने प्रीवियस किया था इस लोगो वाले में, ऐसे इसमें करना है। तो इसमें मैं स्लाइड अप कर रहा, स्लाइड अप करने के बाद आउट इंट्रो देता रहा, आउट एनिमेशन, यहाँ पे स्लाइड डाउन। अब हम देखते हैं कैसा हुआ, देख सकते हैं आप दोस्तों कितना अच्छा से हो रहा है ये। आप अपने हिसाब से अच्छे से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको इधर कर ले रहा टेक्स्ट को, यहाँ पे हाँ। अब देखिए कैसा है हमारा, फिर से ओपन किया हमने, फिर से थोड़ा सा इसको अपने इसको एडजस्ट करना पड़ता है दोस्तों, 5-10 मिनट टाइम लगता है। तो इसमें आप आसानी से लगी अच्छा हो गया, आप बहुत ही अच्छा चल रहा है इस समय। इसके बाद देख सकते हैं रेड एक्ट खुला, सब्सक्राइब, और जी हाँ एक नंबर का हमारा हो गया, बहुत ही अच्छा बन चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बनाना आ गया होगा। इसके बाद अब क्या करना है, हमें एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट पे करने के लिए हमें यहाँ पे शेयर पे जाना है और सेव टू गैलरी, सेव वीडियो टू गैलरी, और HD मोड में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एक्सपोर्टिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको एक्सपोर्टिंग होने दे रहे हैं और आपको किस तरह वीडियो में लगाना है वो भी मैं आपको बता दे रहा। तो यह हमारा एक्सपोर्टिंग हो रहा है, ठीक है। एक्सपोर्टिंग अब हमारा होने वाला है। वीडियो को दोस्तों एकदम लाइक करिएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से यहाँ से बैक जाना है, बैक जाकर इस फाइल को डिलीट कर देना है काइन मास्टर से, ठीक है। तो यहाँ से मैं बैक गया और इसको यहाँ से मैं डिलीट कर दे रहा। फिर से मेरे पास एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, तो आप कोई भी मान लीजिए, जैसे कोई भी आपने नया वीडियो ले लिया, ठीक है, मैं यही वीडियो ले ले रहा, ठीक है। कोई भी आपका वीडियो हो पुराना जिसमें आप ऐड करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। मैंने पहले से एक ये वाला यूज किया था, इसको मैं हटा दे रहा। अब जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल देने के लिए मैं आपको यहाँ से उस ग्रीन सब्सक्राइब बटन को इसमें ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं लेयर पर गया, मीडियम गया और एक्सपोर्ट में हमारा आ गया है फाइल, ठीक है। इसको अपने हिसाब से अब यहाँ पे चले जाना है। नीचे आप देख सकते हैं इस साइड में क्रोमा की का ऑप्शन आएगा, इसको इनेबल कर देना है। यहाँ से इनेबल जैसे ही कर देंगे पीछे का ग्रीन बैकग्राउंड ख़त्म हो जाएगा और साइन पे क्लिक कर दीजिएगा और इसको जहाँ पे आप करना चाहते हैं अपने डिस्प्ले पे अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, जैसे कि मैं यहाँ पर कर दे रहा। इसके बाद हम चलाते हैं वीडियो, देखते हैं चलता है कि नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना अच्छा सब बन गया है। तो दोस्तों वीडियो को अगर जरूर लाइक करिएगा और अगर हम हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, आते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।